हम चूड़ीदार पजामी की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 41 इंच, हिप 39 इंच, नी 16 इंच, कफ 15 इंच, बॉटम 12 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मेट हमारा इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस नेफा टर्निंग प्लस बॉटम टर्निंग प्लस चूड़ी। जितनी हमें इसमें गैदरिंग करनी है, चुन्नटें डालनी है, उतना ही हम यहाँ पे चुन्नटों के लिए ऐड करेंगे। फुल लेंथ हमारी है 41 इंच, नेफा टर्निंग 1.5 डेढ़ इंच, बॉटम टर्निंग डेढ़ इंच, या हम कम भी कर सकते हैं अगर कम टर्न करना है हमें, एक इंच भी कर सकते हैं। चूड़ी के लिए हम 6 इंच से ज्यादा या कम जितना हम ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। ये टोटल हमारा हो गया 50 इंच। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले फुल लेंथ, नेफा टर्निंग, बॉटम टर्निंग और जितनी हमें चूड़ी के लिए, चुन्नटों के लिए कपड़ा चाहिए उतना ही हम उसमें ऐड करेंगे। जितनी ज्यादा डालनी है उतना ही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पजामी की लेंथ लेंगे। ये हमारी पजामी की लेंथ है। यहां से यहां तक हमने लेंथ ली। लेंथ लेने के बाद हम क्रोच लाइन निकालेंगे। क्रोच लाइन निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच। हिप हमारी 39 इंच है, 39 को 3 से डिवाइड किया तो 13 इंच, प्लस 2 किया 15 इंच। क्रोच लाइन हमारी निकल करके आई 15 इंच। यहां से हम नीचे निशान लगाएंगे 15 इंच पर, ये हमने क्रोच लाइन का निशान लगाया। हिप लाइन निकालेंगे। हिप लाइन निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 2 या फिर हिप का हाफ कर लेंगे। जितनी भी हमारी हिप है, हिप का हाफ करेंगे। 19.5 साढ़े 19 इंच हमारा हिप का हाफ आया। ये जो हम डाउन आए क्रॉस लाइन को, आगे जाएंगे अंदर की तरफ, साढ़े 19 इंच, जहां हमारा साढ़े 19 इंच आएगा वहां पर हम इस प्रकार निशान लगा लेंगे। ये इस प्रकार ये लगाने के बाद अंदर आएंगे हम हिप डिवाइड बाय 12। हिप डिवाइड बाय 12, 39 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा आया 3.25, सवा 3 इंच। ये जो हमारी हिप लाइन हमें मिली थी, इस हिप लाइन से अंदर की तरफ आएंगे हम, अंदर की तरफ सवा 3 इंच आएंगे और ये निशान लगा लेंगे। ये जितना भी हमारा बचेगा ऊपर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। 19.5 में सवा 3 इंच कम करेंगे हम ऊपर कमर के लिए। इस प्रकार ये करने के बाद हम इसको इससे मिला देंगे, या हम शो भी कर सकते हैं। ये जो हमारा अंदर आएगी, यहां से यहां तक हमने हिप लाइन ली, लेंथ लाइन से अंदर की तरफ गए हम, हिप डिवाइड बाय 2 या हिप का हाफ कर सकते हैं, साढ़े 19 इंच। ये हमारा यहाँ पर साढ़े 19 इंच आया। अंदर की तरफ हम हिप का 12, हिप को डिवाइड किया 12 से और अंदर की तरफ आए और हमने इसको सीधा इस प्रकार मिला देना है। ये इस प्रकार ये यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। ये हम अंदर की तरफ आए थे इतना, सवा 3 इंच, हिप डिवाइड बाय 12, 3.25 यानी सवा 3 इंच अंदर की तरफ आए थे। इसको हम इससे तिरछा
मिला देंगे, ये यहां पर ये हमारा क्रोच लाइन है पजामी की। ये करने के बाद लेंथ लाइन से नी के लिए 21 इंच नीचे आएंगे, 15 इंच तो हमारी क्रोच लाइन थी, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 15 इंच, 21 इंच फिर डाउन आएंगे, 21 इंच हम यहां पर डाउन आए, यहां से यहां तक नी लाइन के लिए हम आए 21 इंच डाउन, 21 इंच, 21 इंच डाउन आने के बाद हम नी का निशान लगाएंगे अंदर की तरफ, नी हमारी 16 इंच, नी का हाफ करेंगे, नी का हाफ करेंगे हम प्लस 1.5 डेढ़ इंच हम ऐड करेंगे, 16 का हाफ किया 8 इंच प्लस 1.5 डेढ़ इंच इज इक्वल टू 9.5 डेढ़ इंच हमने इसमें ऐड किया, नी का हाफ किया डेढ़ इंच ऐड किया, नी का हाफ किया तो 8 इंच प्लस डेढ़ इंच ऐड किया इज इक्वल टू 9.5 यानी 9.5 इंच। ये जो हम 21 इंच डाउन आए थे नी का निशान लगाएंगे 9.5 इंच का, ये हमने यहां पर निशान लगा लिया, यहां पर हमने लिया नी का हाफ प्लस 1.5 9.5 इंच। ये जो हमारी लेंथ है और हमारी बॉटम लेंथ है, जितनी हमने एक्स्ट्रा चूड़ी के लिए किया 6 किया 7 किया जितना भी किया हम ऊपर निशान लगाएंगे उतना ही, यहां पर हम बॉटम का हाफ करेंगे, बॉटम हमारी है, बॉटम हमारी 12 इंच है तो बॉटम का हाफ करेंगे, यहां पे हम बॉटम का हाफ हमारा आया 6 इंच प्लस हमने यहां पे प्लस डेढ़ इंच किया तो यहां पर भी हम डेढ़ इंच ही करेंगे, यहां पर लिया बॉटम का हाफ 6 इंच प्लस डेढ़ इंच 1 इंच जितना भी हम करेंगे उतना यहां पे हम ऐड कर देंगे, और जितनी हमने लेंथ चुन्नटों के लिए ली है उतनी ही ऊपर जाके जितना बॉटम का निशान लगाया उतना ही हम यहां पर सीधे ही रेखा खींच लेंगे 6 इंच पर। 6 इंच अगर गैदरिंग के लिए ज्यादा लिया है चुन्नटों के लिए तो 6 इंच पर जितना यहां पर लिया उतना ही हम यहां पर लेंगे बॉटम का हाफ 6 इंच प्लस 1.5 हम ऐड करेंगे जब कटिंग करेंगे तब, इसमें ये हमारा आ गया 7.5 इंच। कफ के लिए जो हमारा कफ है 15 इंच, नी के लिए हम 21 इंच नीचे आए थे, कफ के लिए हम आएंगे हिप डिवाइड बाय 8, हिप डिवाइड बाय 8 हमने हिप को 8 से डिवाइड किया तो हमारा 4.5 के आसपास आता है, 4.87 पॉइंट आता है हमारा यानी 4.5 इंच के आसपास हमारा आता है, तो यहां से हम डाउन आएंगे हिप डिवाइड बाय 8 कफ के लिए नी से, हिप डिवाइड बाय 8 डाउन आएंगे और कफ का निशान लगाएंगे हम चौड़ाई का। ये ध्यान देना है कि अगर हमारी हिप डिवाइड बाय 8 भी नहीं आ रही है तो नी से हम जितनी हमारी ये लेंथ है उसका हाफ करके हम निशान लगा लेंगे नी का। कफ हमारी है कफ का 2 प्लस 1.5, कफ हमारी है यहां पर 15 इंच हाफ प्लस 1.5 डेढ़ इंच, 15 इंच का हाफ किया 7.5 7.5 इंच प्लस डेढ़ इंच
इज इक्वल टू 9 इंच. ये हमने यहां से यहां तक 9 इंच पर इसका निशान लगा दिया. ये निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे. इस प्रकार यहां पर हिप डिवाइड बाय 2 या फिर हम हिप का हाफ भी कर सकते हैं. ये हमारा 19.5 इंच निकल करके आएगा. बॉटम का हाफ किया हमने यहाँ पर 7.5 इंच. ये हमने यहां से यहां तक ऐड किया था चूड़ी के लिए 6 इंच. जितना भी हम ऐड करेंगे उतना ही हम कर सकते हैं. यहां पर हमने जितना बॉटम में लिया 6 इंच की दूरी तक ऊपर की तरफ 7.5 इंच ही हम यहाँ पर यहां से यहां तक इक्वल रखेंगे. ये हमारी चूड़ीदार पजामी की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई.